हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड दोस्तों माय नेम इज़ सी ए अजय कुमार एंड आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड एट टू टेन ईयर इन माय सीए फील्ड दैट इज़ इन कॉर्पोरेट एज वेल एज इन सीए फर्म्स आल्सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर सब्जेक्ट ऑफ अफकोर्स दी ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। सो दोस्तों बहुत टाइम से ही आप लोगों की डिमांड ये आ रही थी कि सर हमें ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी सब्जेक्ट चाहिए तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए हम ले आए हैं अपना ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सब्जेक्ट जो कि आपके सेमेस्टर सिक्स में बिलोंग करेगा इस आने वाले सेशन के लिए मई एग्ज़ाम के लिए ठीक है आ, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें इस ऑडिट के सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है ये तो हम पढ़ के भी पास हो सकते हैं ठीक है हमें पास ही तो होना है तो यहीं आप चूक कर जाते हो आप हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे टैक्स अकाउंटिंग कॉस्टिंग एफ एम ऐसे सब्जेक्टों पे ज़्यादा ध्यान देते रहते हो और ऐसा सब्जेक्ट आप छोड़ देते हो जो कि ईजी टू तो अंडरस्टैंड है और जिसमें सबसे बड़ी बात आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो इस सब्जेक्ट में आप ऐसे नंबर अगर ले आए ले आए कि इसी की वजह से आपके पाँच से दस परसेंट बढ़ गए ओवरऑल परसेंटेज जो आपको आगे हो सकता है आप आगे कोई और प्रोफेशनल कोर्स करेंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो आपके परसेंटेज मेंटेन करने में हेल्प करे तो दोस्तों इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना इसकी वजह से आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी ये चीज़ ये सब्जेक्ट ऑडिटिंग और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो भी हम पढ़ेंगे ये आपकी लाइफ में भी आगे काम आएगा आपके वर्किंग लाइफ में काम आएगा जैसे अभी आप देख रहे हो ना पेटीएम पे वो ऑडिट हुआ है पे टी एम का ऑडिट हुआ है तो उसकी गवर्नमेंट में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पे टी एम का थोड़ा सा नुकसान कर दिया थोड़ा सा तो नहीं बहुत सारा नुकसान हो गया उसका क्योंकि उसके ऊपर कुछ लॉज लगाए गए हैं ठीक है तो वो कैसे हुआ वो ऑडिट से ही तो हुआ पहले उसका ऑडिट किया गया तब जाके सारी इन्फॉर्मेशनस बाहर आई देखो कितनी बड़ी कंपनी है उसे घुटनों पर ला के रख दिया किसने ऑडिटर ने सिर्फ एक ऑडिट ने कि हाँ इस चीज़ इसमें यह गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे एक पूरा टॉपिक है जहाँ पे पूरी मार्केट के फेलियर बता रखे हैं ठीक है दोस्तों तो इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना इस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है अच्छे से करना है ताकि आप इसकी वजह से अपने नंबर इंक्रीज़ कर पाओ और परसेंटेज भी बहुत सी बढ़ा पाओ ठीक है दूसरा दोस्तों आज का सेशन ना बहुत स्लो रखेंगे हम बहुत कम चीज़ें बहुत विस्तार से सीखेंगे ठीक है आज हम बहुत ज़्यादा भगाएंगे नहीं मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा आज 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 के सेशन में ये चीज़ आ, रहेगी तो ऐसा मत समझना कि आगे आने वाले क्लासेस में भी हम इतना ही धीरे पढ़ाएंगे नहीं आज का सेशन फर्स्ट सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा भगा नहीं सकते ठीक है ताकि आपको कंसेपच्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा हो सब्जेक्ट की भी और जो ऑडिटिंग होता क्या है उसकी भी ठीक है तो देखते हैं पहले ऑडिट कंटेंट तो दोस्तों आ, इससे पहले एक बात और बता दूं मैं बच्चे पूछेंगे कि सर हम कौन सी बुक रेफ़र करें तो दोस्त आ, मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने का सब्जेक्ट आ, की बुक बनाई हुई है बट हमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं मिला जो हंड्रेड परसेंट कंटेंट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आ, उसमें इंक्लूडेड हो बट हम किसी एक किसी एक बुक को तो रेफ़र करना ही चाहेंगे तो हमारा सजेशन ये रहेगा आप इस बुक को रेफर कीजिए देखिए ठीक है टेक्स मैन की बुक है ये इसके राइटर हैं अनिल कुमार लवलीन गुप्ता ज्योत्सना राजन अरोड़ा क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हैं बट फिर भी आप अपनी तरफ से किसी और बुक को रेफ़र करना चाहते हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बुक को रेफर करना चाहते हैं या फिर टेन ईयर को रेफर करना चाहते हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं वो आपके ऊपर है टॉपिक आगे पीछे होंगे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम यहाँ पे पॉइंट में पढ़ेंगे वहाँ पे पैराग्राफ में दे रखा होगा या फिर वहाँ पे पैराग्राफ में दे रखा होगा उन दूसरी बुक्स में और हम यहाँ पे पॉइंट्स से पढ़ेंगे ठीक है तो उसका आप टेंशन ना लेना हमने क्या किया है इसी वजह से तीन चार चार बुकों को मिला के एम <coughs> सॉरी हमने आ, जो हम आप डिस्कस करेंगे हमने सारा प्रिपेर करा हुआ है तो इसमें इससे क्या होगा कि आपका कुछ छूटेगा नहीं आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपकी बुक्स में किसी किसी राइटर्स की बुक में अच्छे से नहीं दिए हुए या फिर बहुत पुराने टाइम का दिया हुआ है ठीक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको प्राइमरली <coughs> आपको ये बुक रेफ़र करनी है अदरवाइज आप कोई और भी बुक रेफर कर सकते हो तो देखो इस बुक में इंडेक्स अलग है बट हमने जो स्क्रीन पे इंडेक्स दिया है ये इंडेक्स आपकी डी की बुक का है ताकि सब लोग एक बार में रिलेट कर पाएं <coughs> पहले है देखो पहली यूनिट है पाँच यूनिट में है अराउंड सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर आपका होता है जिसमें आप जिसमें आप मान लो पाँच यूनिट हैं फाइव इंटू फिफ्टीन इजिकल टू सेवेंटी फाइव आप कुछ चैप्टर में से हो सकता है आपके ऑप्शंस भी आते हैं कि जैसे दो क्वेश्चन आ गए ठीक है और करके जैसे क्वेश्चन आ गया उसमें लिखा हुआ और आप ये भी कर सकते हो ठीक है तो इसकी वजह से हो सकता है जो, जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा हो जो आपको ज़्यादा आता हो तो ये मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डिपेंडिंग अपॉन कि आप का आपकी तैयारी किस में ज़्यादा है ठीक है तो आप देखेंगे बेसिकली पहली यूनिट रहेगी वो प्रॉपर ऑडिटिंग पे ही रहेगी ठीक है एक मिनट ठीक है आप ध्यान से देखेंगे वैसे भी आपको नहीं पता होगा जिस जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा पहले यूनिट बेसिकली प्रॉपर ऑडिटिंग टॉपिक पे ही रहेगी इस वाले पे ये यूनिट ये यूनिट रहेगी ऑडिट प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चीज़ों को मिला के ये दोनों यूनिट रहेंगी प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे और ये लास्ट की यूनिट है ये आपका बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है तो इतना बेसिक हमारा कंटेंट रहेगा पढ़ने का मैं दोबारा बता देता हूँ आज की क्लास बहुत ही स्लो पेस में चलेगी तो आप बोर मत होना नेक्स्ट क्लास से हम चीज़ों को बहुत फास्ट वे में पढ़ेंगे बट आपका पूरा हंड्रेड परसेंट कोर्स कंप्लीट होगा ठीक है उसकी आप टेंशन ना लेना अब बच्चों की कुछ क्वेरीज रहेंगी मन में क्लास स्टार्ट होने से पहले वो मैं देख लेता हूँ मैंने लिखा हुआ पहले से हमने देखो डाउट ही रहता है कि सर हम अपनी क्वेरीज कैसे पूछेंगे तो आपको एक कॉन् नंबर दिया जाएगा ठीक है जिसपे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो क्वेरी की हम एक टाइमिंग रख देंगे जैसा जरूरी नहीं है कि वो दस से छः हो हो सकता है एक मैं यहाँ पे टाइमिंग डाल दूँगा ठीक है उसी स्लॉट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो उसका रिप्लाई मैं बाद में भी दे सकता हूँ उसकी टेंशन ना लो ऐसा नहीं है कि रिप्लाई आपको उसी टाइम मिलेगा रिप्लाई हो सकता है मैं बाद में फ्री हुआ या फिर रिप्लाई लेट आ गया बट आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अदरवाइज अगर वो उस उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिला उस चैट में तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे उस टॉपिक से नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें वो क्वेरी अपने आप ही टेकअप कर लूँगा वैसे तो हम कुछ भी नहीं रहने देंगे क्योंकि देखो यार सी ए किया है तो पढ़ने का एक्सपीरियंस भी बहुत है आप लोग जानते होंगे और पढ़ाने का भी एक तो एक्सपीरियंस बहुत है तो मुझे पता है कि आपके छोटे छोटे डाउट कहाँ आएंगे ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप से ही बात कर कर, कर के क्वेरी कर करके क्वेश्चंस पूछ पूछ के आपको पढ़ाऊँ और कोई भी डाउट ना रहने दूँ ठीक है दोस्तों सेकंड चीज़ है कि क्लास uh, ख़त्म कब होंगे सर ठीक है तो देखो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है सोलह मई से ठीक है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी क्लास अप्रैल एंड से पहले ही खत्म हो जाएंगी ठीक है इससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगी इससे पहले हम कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें क्योंकि तो इस सब्जेक्ट में आप थोड़ा कम ध्यान देते हो ठीक है आप सोचते हो कि इसको थोड़ा जल्दी कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ज़्यादातर क्लासेस रिकॉर्डेड ही रहेंगी कुछ कुछ क्लास हम आपको बता देंगे जो आपके लाइव आके आपके डाउट सॉल्व करने हैं या फिर कोई गाइडेंस देनी है प्रॉपर एग्ज़ाम गाइडेंस देनी है वो मैं कभी भी लाइव आके आपको बता दिया जाएगा उसमें दे दूँगा ठीक है तो उसकी आप टेंशन ना लेना देखो ज़्यादातर क्लासेस आपके रिकॉर्डेड ही रहेंगी क्यों क्योंकि इस क्लासेस को इन क्लासेस को आप जल्दी जल्दी से कर पाएँ ठीक है आपको वेट ना करना पड़े क्योंकि क्लासेस तो एक तरह से लाइव भी हम चला सकते हैं हमने अभी इसी सेशन के लिए मई सेशन के लिए ही क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है जो गाइडेंस की क्लास होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की वैसे तो हम कोर्स के दौरान ही अपने टॉपिक के दौरान है इसको डिस्कस करेंगे पर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा वो हम यहाँ पर एक लाइव क्लास लेके सॉल्व कर देंगे ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से